हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ब्राइटनेस अगर वर्क नहीं कर रहा है या फिर अगर ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम ज़्यादा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे आप इसे सही कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम इस तरह स्लाइड करते हैं नोटिफिकेशन को, तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा रहता है ऑटो। यहाँ पर देखिए, इस तरह आप कम ज़्यादा तो करते ही हैं, लेकिन अगर इस पर क्लिक रहता है, देखिए ऑटो पे तो अपने आप ही कम हो रहा है। तो अगर आप इस पे क्लिक किए रहेंगे तो ये अपने आप ही कम ज़्यादा होता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जितना पर ले जाकर सेट कर दें उतना ही रहे, तो आपको यहाँ से इसे ऑटो से बंद करना है। अगर यहाँ पर ये ऑटो वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। अब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस नाम का, इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, ब्राइटनेस में एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो ब्राइटनेस, इस पर अगर क्लिक होगा इस तरीके से, देखिए क्लिक जैसे मैंने किया, ब्राइटनेस कम हो चुका है, यहाँ पहले यहाँ पर था। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से चालू है तो ऐसी प्रॉब्लम आती है, अपने आप ही कम ज़्यादा होता है। आप क्या करना, इसे यहाँ से बंद कर देना ऑटो ब्राइटनेस को। जैसे ही आप ऑटो ब्राइटनेस बंद कर देंगे, फिर आप जितने पे ब्राइटनेस ले जाकर देखिए छोड़ देंगे उतना ही रहेगा, कम और ज़्यादा नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है या स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। फिर आप इस सेटिंग में आकर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में अब आप इसे बंद करेंगे या चालू करेंगे, देखिए 100% सही हो जाएगा। अगर बंद किए रहेंगे, जितने पर जाकर छोड़ देंगे उतने पर ही रुका रहेगा, अगर आप इसे चालू कर देंगे तो इस समय के अनुसार कम ज़्यादा होगा। अंधेरे में जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, उजाला में जाएंगे तो कम हो जाएगा, इस तरीके से ये वर्क करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जितना पर ले जाकर छोड़ दे रहे हैं फुल कर दे रहे हैं तो हमेशा फुल ही रहे, तो आप ऑटो ब्राइटनेस जो ऑप्शन है इसे बंद कर देना। तो इसका रहा गाइस ये उपयोग। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।